हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। आज की वीडियो में मैं शो करने वाली हूँ कि मैं लेंसेज कैसे अप्लाई करती हूँ, जो भी मेरे आई लेंस उनको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ एंड मुझे कुछ कुछ लोगों के कॉमेंट्स आते थे काफी टाइम से कि आप बताओ लेंसेज कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं बता ही देती हूँ, फेस्टिव सीजन भी है, कुछ लोग नया ट्राई करना चाहते होंगे। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ, काफी सिंपल सा वीडियो होगा, काफी अलग अलग तरीके होते हैं लेंसेज को अप्लाई करने के। तो जो मैं जिस तरीके से अप्लाई करती हूँ मैं वही शो करने वाली हूँ आपको, किसी और के वीडियो में कोई और तरीका दिखेगा। एंड अगर आप खुद से लगाना स्टार्ट करोगे जब, तो आप शायद अपना ही तरीका निकाल लो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल होते हो। सो दिस इज माय वे ऑफ अप्लाइंग माय लेंस एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ग्रे लेंस दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए कि लेंसेज कहाँ जा रहे हैं मेरी आंखों की कठपुतलियों में, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, तो आप इजिली चेक कर पाओगे। सो या हाई एंड वेलकम टू माय पर्सनल स्पेस। इतने पास आप आ चुके हो तो मैं अपना राइट लेंस लगाने वाली हूँ। मैं आपको एक बार क्लोज से दिखा देती हूँ कि मेरा जो लेंस है वो ग्रे है, हाउ इट लुक्स। सो दिस इज माय ग्रे लेंस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किए थे लेंसेज, मैंने टाइटन आई से लिए थे, तो उन्होंने मुझे लगाना बताया था। तो उन्होंने मुझे बताया था जो मिडिल फिंगर है, लाइक द बिग वन, जो बड़ी वाली फिंगर है, उससे आसानी से लेंसेज अप्लाई होते हैं। बट मैंने पाया कि जो बगल वाली फिंगर है इससे भी आसानी से लेंसेज अप्लाई हो जाते हैं, जिससे हम टीका लगाते हैं, तो इससे भी आसानी से लेंसेज अप्लाई हो जाते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा तरीका सूट होता है, मैं बार बार बोलूंगी। तो चलो मैं लेंस को पिक करती हूँ। तो मैं अप्लाई करने से पहले कुछ इस तरीके से ऊपर से भी इसको स्ट्रेच करती हूँ अपनी आंखों को, एंड नीचे से भी स्ट्रेच करके इसको प्लेस करती हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये देखने में जितना स्कैरी लगा होगा उतना कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हल्का सा प्लेस किया एंड अपनी आईबॉल को इधर उधर हिलाया एंड वो अपनी जगह पे आके प्लेस हो गया। अपनी आंखें 2-4 सेकंड बंद करी। आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी अपनी फिंगर को घुमा सकते हो। ये मुझे टाइटन आई वालों ने बताया था जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे सीखा था, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो मेरी आंखों पे अपने आप आके सेट हो जाता है। हल्के फुल्के आंसू आना जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एक्सटर्नली कुछ अप्लाई कर रहे हो तो आंखों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ जब भी मैं अपनी लेंसेज अप्लाई करूँ, मेकअप से पहले अप्लाई करूँ, जस्ट बिकॉज आपने देखा ना आंसू आ जाते हैं। फिर अगर आपने कोई भी काजल मस्कारा अप्लाई करने के बाद लेंस अप्लाई करते हो तो वो हल्का सा गीला होता है, आंसू आ जाते हैं, या फिर जो हमारे लेंसेज का सोल्यूशन होता है वो लेंसेज में होता है, वो गिरता है, तो पूरा मेकअप खराब होने के चांसेस रहते हैं। मैंने ये बोलने का सेशन इसलिए रखा जस्ट बिकॉज आप देख पाओ कि जब मैंने लेंस अप्लाई किए थे मुझे आंसू आए थे, थोड़े से एक आध दो आंसू आ गए थे मुझे, लेकिन अब मैं प्रीटी नॉर्मल हूँ, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट का वक्त लगता है, एकदम ठीक हो जाता है। चलो मैं बताती हूँ कि लेंसेज को मैं निकालती कैसी हूँ, वही हाथ साफ करने के बाद ही निकालने हैं, निकालते वक्त भी एंड लगाते वक्त भी। सो व्हाट आई जनरली डू, मैं कुछ इस तरीके से पुल करती हूँ एंड ऐसे हल्का सा नीचे देखती हूँ, जो मेरा लेंसेज है मैं वहाँ पे फिंगर रखती हूँ एंड लेंसेज को यहाँ इधर आंखों से हल्का सा नीचे शिफ्ट करके उसको पिंच करके निकाल लेती हूँ, बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं। बट मेक श्योर अगर बड़े नेल्स हैं तो नेल्स से ऐसे पिंच करके ना निकालें, क्योंकि लेंसेज के टूटने का डर रहता है, काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। तो ये जो कुशनी पार्ट है यहाँ से ही इसको पिंच करके निकालने की कोशिश करें, एंड अगर नेल्स नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड वॉट आई प्रिफर डूइंग इज, जैसे कि मैं जब भी लेंसेज निकालती हूँ तो हम बाहर से आते हैं, हल्की सी इस पर धूल मिट्टी लग ही जाती है। वॉट आई प्रिफर डूइंग इज, जैसे कि लेंसेज मैंने मेरे पाम पे निकाल लिया है एंड मैं यहाँ पे हल्का सा, आप सोल्यूशन देख सकते हो, सोल्यूशन लेके इसको इस तरीके से हल्का सा साफ कर लेती हूँ फिंगर से। देन उसके बाद मैं इसके इसको केस में डालती हूँ, फ्रेश सोल्यूशन के साथ में इसको इसके केस में डाल के कुछ पैक करके रख देती हूँ। दैट्स इट, काफी ज्यादा आसान है लगाना, डरने वाली कोई बात नहीं, मैंने मेरा लेंसेज रख दिया इसमें। सो इट्स प्रीटी मच सिंपल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर चीज की आदत पड़ जाती है। अगर आपको लेंसेज लगाने ही है जस्ट गो फॉर इट, काफी इजी सब प्रोसेस है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, मुझे मोटिवेशन मिलता है चैनल सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।